नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं जो ASI से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं ASI के वो पूरे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में गए थे, जो आपका लखनऊ में वहाँ पर आए थे, और उन्होंने ही कहा कि सर आप इसके बारे में कुछ बच्चों के लिए बता दीजिए कि जो भी ऐसे काम गलत काम कर रहे हैं वो सतर्क हो जाए। तो ये जो एक्चुअली है क्या कि ASI का जो एग्ज़ाम हुआ था तो ASI में कुछ बच्चों ने अलग अलग जगहों से फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए थे। ठीक है, तो वहाँ पे वो फर्जी सर्टिफिकेट वो किसी इंटरमीडिएटर के थ्रू बनवाए हैं, चाहे किसी संस्था ने बनाया है, तो वहाँ पे इनका जो एक तरह से बोला जाए कि इन्होंने जो लेटर लिख के एप्लीकेशन लिख के दिया था, ये फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर दे रहा हूँ, कि जो भी चाहे वो PGDCA हो चाहे ADCA हो, ठीक है, मैक्सिमम PGDCA वाले इसमें, तो वो उन्होंने पूरा लिख के दिया और ये जो इनका एप्लीकेशन है एक्सेप्ट कर दिया गया है पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा। और उन्होंने कहा है कि जो भी बच्चा अगर ऐसा लगेगा कि संदिग्ध है और वो इंस्टीट्यूशन से संदिग्ध है, वो इंस्टीट्यूशन भी संदिग्ध है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, मतलब कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये खुद पुलिस बोर्ड के द्वारा बोला गया है, खुद बच्चों ने बोला है। तो ये जो भी जान लो भाई, जो अगर ईमानदारी से किए हो तो उसके लिए तो मैं भी साथ में हूँ, जो ईमानदारी से आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैं उन्हीं बच्चों के साथ हूँ जो ईमानदारी से अपना काम किए हैं, ईमानदारी से जो है सर्टिफिकेट लिए, ईमानदारी से पढ़े हैं और उन्हें ईमानदारी से मिला है। ठीक है, अगर आपने फर्जीवाड़ा का तरीका इस्तेमाल किया है तो आप ज़रूर पकड़े जाओगे, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। भाई बात कुछ बच्चों का कि सर रिजल्ट कब आएगा, इन्हीं बच्चों ने जो गए थे, ऑन अप्रॉक्स बोला जा रहा है 60-70 बच्चे थे, इनका एक ग्रुप था, ये पूरे लोग मिलकर गए थे, देखिए फोटो भी इन्होंने दिया था। ठीक है, तो इन्हीं के कहने पर मैंने ये बोला कि चलो भाई आपके समर्थन में हम ये वीडियो बना दे रहे हैं। तो ये जो है ये कुछ बच्चों का ग्रुप था और इन्हीं बच्चों ने बताया है कि जो रिजल्ट का प्रक्रिया है वो जारी है, ऑलमोस्ट आपका SI का रिजल्ट अप्रैल सेकेंड वीक तक बोला है बच्चों ने, और जो ASI का रिजल्ट है उसके जस्ट एक हफ्ते बाद वो भी जारी हो जाएगा। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो SI वाले, तो रनिंग करते रहो, ASI वाले टाइपिंग पे लोगे हो तो टाइपिंग करते रहो, तो ये निरंतरता अपने में बनाए रखो, परेशान ना हो, कोई भी स्कोर हो, जैसा मैंने बताया था, जैसा कट ऑफ बताया गया है टीम के द्वारा, उसी पे आप लगे रहें। ठीक है, जाहिर सी बात है कि आपका वहीं पे आपका कॉल आ जाएगा जो 4000 बच्चों का ASI में बुलाना है। तो अगर सब कुछ सही रहा, कोई दिक्कत नहीं रही, तो मेरिट उतनी ही जानी चाहिए, बाकी देखते हैं, सब ईश्वर के हाथ में है। तो अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बच्चों को पहुँच सके, और अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या है तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और जो भी बच्चे नए हैं वो परीक्षा प्लस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जो भी यहाँ पर परीक्षा प्लस में नए नए कोर्सेज चलाए जा रहे हैं विभिन्न एग्जामों से रिलेटेड, वो आपको अपडेट मिलता रहे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।